हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की जो एग्जाम्स होने वाली है उसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा। सेम टू सेम यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी मैंने क्वेश्चंस पिक किया वो लास्ट 6 मंथ के हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप करंट अफेयर्स चाहे कहीं से भी पढ़े हो तो इससे बाहर आपके क्वेश्चंस कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। और इसका मैं आपको 10 पार्ट कंप्लीट कराऊंगा, करीब करीब 500 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा फ्रेंड्स, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप टेस्ट के थ्रू लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस देश में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को आयोजन करने की योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि 28 जुलाई 2020 से लेकर के 9 अगस्त 2020 तक के जापान के टोक्यो शहर में ओलंपिक 2020 की आयोजन होने वाला था। लेकिन मैं एक चीज़ आज और बता दूं फ्रेंड्स कि हाल ही में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने, ये 2 से 3 दिन की पहले की न्यूज़ है कि हाल ही में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि कोरोना वायरस की जो खतरनाक दहशत मचा हुआ है उसकी वजह से इन्होंने मना कर दिया। और इन्होंने ऐसे भी घोषणा किया है कि इस जो आयोजन 2020 में होने वाला था टोक्यो में, इसको अगले साल आयोजन करने की घोषणा इन्होंने की थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरला की सरकार ने शुरू किया था, तो ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रंजन गंगोई। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, रंजन गंगोई को, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, हमारे देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने अपना कार्यकाल 17 नवंबर 2019 को समाप्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं कि यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मुख्य न्यायाधीश को, यानी कि आप कह सकते हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश को, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, इससे पहले भी 2 मुख्य जो न्यायाधीश थे वो राज्यसभा में चुने जा चुके थे, जिनका नाम क्या था, मोहम्मद हिदायतुल्ला और रंगनाथ मिश्रा, लेकिन वो राज्यसभा के चुनाव के थ्रू गए थे, न कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हुए थे। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है, पूर्व राज्यसभा सदस्य और दिग्गज पत्रकार का क्या नाम है जिनका 17 मार्च 2020 को निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पाटिल पुटप्पा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि प्रदीप कुमार बैनर्जी, जो कि भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, इनका 88 वर्ष की आयु में भी निधन हो गया, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत किस देशों के साथ मिलकर स्टीमैक्स नामक त्रिपक्षीय नौसेना युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आप स्टीमैक्स देख रहे हैं, STIS का मतलब सिंगापुर, टी का मतलब थाईलैंड और आई का मतलब इंडिया, यानी कि ये त्रिपक्षीय जो अभ्यास था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सितंबर 2019 में आयोजन किया गया था, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस पेमेंट्स बैंक ने भरोसा बचत खाता लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, पेमेंट्स जो बैंक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इसका उद्देश्य क्या है, जो भरोसा बचत खाता स्टार्ट किया गया, तो इसका उद्देश्य कि भारत में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। क्लियर, आगे देखिए। अगला प्रश्न दिया गया कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स लिगेसी का विमोचन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे, तो आपको याद रखने हैं लास्ट 6 मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने समाज में बदलाव लाने के लिए किस भारतीय को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पायल जांगिड़। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पायल जांगिड़ किस राज्य से बिलोंग करती है, राजस्थान से बिलोंग करती है, और ये 17 वर्षीय पायल जांगिड़ जो है, इनको न्यूयॉर्क में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से यह पुरस्कार दिया गया। अब आपके मन में एक चीज़ आ रहा होगा कि ये पुरस्कार इनको किस लिए दिया गया, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, राजस्थान के जिस गाँव से बिलोंग करती है, इनका गाँव का नाम है हिंसला। ठीक है, हिंसला गाँव और उनके जो पड़ोसी गाँव थे वहाँ पर बाल विवाह को रोकने के लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया था, जिस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया, गेम चेंजर अवार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हाल ही में भारत के किस एथलीट को IAAF द्वारा वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं IAAF का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसको हाल ही में इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे किसको सम्मानित किया गया, वेटरन पिन से। तो बात करते हैं राइट आंसर का, तो इसका करेक्ट आंसर है पीटी उषा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखिए अगला प्रश्न बनता है कि विश्व पर्यटन दिवस 2019 की मेजबानी कौन सा देश किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विश्व पर्यटन दिवस 2019 की मेजबानी भारत ने की थी, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को याद रखेंगे, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसकी थीम क्या रही। तो इसका थीम रहा टूरिज्म एंड जॉब्स ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सी शटल का शुभारंभ किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना। ठीक है फ्रेंड्स, तेलंगाना सरकार ने सी शटल बस सेवा का शुभारंभ किया है। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। क्लियर फ्रेंड्स, अगर परसेंटेज की बात की जाती तो प्रतिशत में मिजोरम सबसे टॉप पे, याद रखेंगे यहाँ पे सिर्फ वन आच्छादित क्षेत्र पूछे गए थे, जो कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों को तीव्रता लाने हेतु रन थ्रू फाइल्स प्रणाली शुरू की है। तो रन थ्रू फाइल्स प्रणाली स्टार्ट की गई है हरियाणा के सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक क्या है, इनके जीवन पर एक फिल्म बनाई जा रही है, उस फिल्म का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुल मकई, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स गुल मकई। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ फ्रेंड्स, मलाला यूसुफजई जो दिवस होता है वो 12 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि मलाला यूसुफजई को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, और साथ ही साथ भारतीय को भी एक दिया गया था, तो उनके नाम को भी आप मेंशन करेंगे। क्लियर, आगे बढ़िए अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया, और ये प्रश्न काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा घोषणा किया था कि सरकारी नौकरियों में जो राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय कोई पदक विजेता जो खिलाड़ी होंगे उनको 5% अतिरिक्त आरक्षण दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ई गन्ना ऐप किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है सीएम जो हो वहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गन्ना किसानों के लिए ये ऐप शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अकीतम को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, वे किस भाषा से जुड़े, यानी कि 2019 का जो 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वह किस भाषा के लिए दिया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मलयालम भाषा के लिए। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखिए अगला प्रश्न बनता है कि सिस्तुरा सिंह काई किस प्रकार की प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मछली, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स हाल ही में ये मछली खोजी गई थी सिस्तुरा सिंह काई। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम राज्य का। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य की सोहराय तथा कोहबर कला का जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स झारखंड का जो हजारीबाग है वहाँ के गांवों के जो घर होते हैं घरों में मिट्टी के दीवारों पे जो काफ़ी अच्छी उकेरी की जाती है जिसको कहा जाता है सोहराय या फिर कोहबर, जिसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, काफ़ी प्रचलित है वहाँ का और जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनिला आरंभ किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेडागास्कर। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया कि हरित रत्न पुरस्कार 2019 से किसे नवाजा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर एन कुमार, तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर एन कुमार को हाल ही में 2019 का हरित रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट दिया गया, बीते दिनों कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी साइना नेहवाल। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है
किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने पिक किया वो काफ़ी सेलेक्टेड है आपके एग्जाम्स में, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, बल्कि सेम टू सेम क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को याद रखेंगे, और आने वाले जो 9 पार्ट्स और हैं, यानी कि कुल 10 पार्ट्स इसमें कंप्लीट कराऊंगा, तो आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि बीते दिनों TN सेशन का निधन हुआ, वे कितने वर्षों तक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 वर्षों तक वे रहे थे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, TN सेशन जो थे वो भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और उनका कार्यकाल जो था वो 12 दिसंबर 1990 से लेकर के 12 दिसंबर 1996 तक था। कुल मिलाकर के 6 वर्षों तक वो भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश के मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर कार्य किए थे। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न बनता है कि भारत ने किस देश के अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने 2 तरह के और हेलीकॉप्टर खरीदे थे, जिसका नाम था पहला तो चिनूक, आपको पता होगा, और दूसरा हाल ही में खरीदा गया था सिरोस्की रोमियो हेलीकॉप्टर। क्लियर, सिरोस्की रोमियो हेलीकॉप्टर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा ATC टावर इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर बनाया गया, यह कहाँ स्थित है? सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ATC टावर क्या होता है। ATC का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर, जो कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर बनाया गया, और ये कहाँ पे? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा न्यू दिल्ली में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संदीप शास्त्री। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश में अपना पहला कार्यालय खोला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी याद रखना राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, WHO। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि फ्लोरेंस नाइटिंगल की 200वीं जयंती पर जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने घोषणा किया कि 2020 को नर्स और मिडवाइफ ईयर के रूप में मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41 का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना ने। ध्यान रखेंगे चाइना। DF-41 क्या है? मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स सब चीज़ में अच्छे से क्लियर कराया था फ्रेंड्स कि डोंग फेंग, ठीक है, DF का मतलब डोंग फेंग, मैं आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ, याद रहेगा। डोंग फेंग 41 जो है इसका फुल नाम होता है, और ये चीन ने लॉन्च किया, और ये सबसे शक्तिशाली मिसाइल है, और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 15,000 किलोमीटर मारक क्षमता हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि इंडिया एंड द नीदरलैंड्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस के बारे में ऐसे बात किया जो कि बुक से रिलेटेड था, और ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वेणु राजा मौनी। ठीक है, इस बुक के लेखक कौन है? तो वेणु राजा मौनी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस शहर में कचरे से बना भारत का सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नोएडा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, स्मृति ईरानी द्वारा ये नोएडा में जो कि उसका उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देख रखा है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है फ्रेंड्स इसी तरह की और वीडियो को लाने के लिए, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है आपके आने वाले बिहार SI मेंस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बिहार से रिलेटेड है, तो हो सकता है डेफिनेटली पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 15 वर्ष से पुराने जो सरकारी वाहन होंगे उनको हटा दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। अगला प्रश्न देखिए क्या, नवंबर 2019 में साहित्य के लिए JCB पुरस्कार किसने जीता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला JCB पुरस्कार 2019 की विजेता रही माधुरी विजय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्था ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मद्रास आईआईटी मद्रास। ठीक है फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास के द्वारा ये बनाया गया। और स्टैंडिंग जो व्हील चेयर है ये क्या कार्य करेगा? तो इसका कार्य ये है कि जो दिव्यांग लोग हैं वो उठने में असमर्थ होते हैं उनको उठने में ये समर्थ बनाएगा। और इस स्टैंडिंग व्हील चेयर का नाम क्या रखा गया? तो आपको याद रखना अराइज। क्लियर फ्रेंड्स, अराइज नाम रखा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रांची में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी के किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया? तो देखिए फ्रेंड्स, 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? इसका राइट आंसर है नासिरा शर्मा को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी जो पुस्तक थी, क्या उनका पुस्तक का नाम था? कागज के नाव, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, आपको बताने कि 2018 का जो व्यास सम्मान था वो किसे मिला था? पेपर में कई बार एग्जाम्स में तहलका मचा चुका है ये प्रश्न, आपको नीचे कमेंट करके बताना है 2018 का व्यास सम्मान किसे दिया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 25 नवंबर 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वर्ष से 5G सेवा प्रारंभ की जाएगी? तो भारत में 5G सेवा प्रारंभ की जाएगी 2020 से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऐसा माना जा रहा है कि 2020 से भारत में 5G सेवा स्टार्ट की जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किस लेखक को हाल ही में आकाशदीप सम्मान 2019 प्रदान किया गया? आकाशदीप सम्मान 2019 प्रदान किया गया ज्ञान रंजन को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहारी पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? और इस क्वेश्चन का सबसे खास बात यह है कि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि बिहारी पुरस्कार बिहार की राज्य सरकार देती है, लेकिन फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये बिहारी सरकार बिहार के सरकार नहीं देती है, राजस्थान के द्वारा दी जाती है। राजस्थानी भाषा के लिए हमेशा ये पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। और ये के बिड़ला फाउंडेशन के तहत दिया जाता है, तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर का कि बिहारी पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया। तो बिहारी पुरस्कार 2018 दिया गया मनीषा कुलश्रेष्ठ को, इनकी जो उपन्यास थी स्वप्न पास के लिए इनको ये मिला है। क्लियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि 2019 का बिहारी पुरस्कार की भी घोषणा की जा चुकी है कि किसे दिया जाएगा, तो डॉक्टर आयदान सिंह भाटी को दिया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिवांगी। लेफ्टिनेंट शिवांगी 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट के रूप में नियुक्ति हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। आगे देखिए, भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किरण मुजुमदार शाह को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो पुरस्कार है दिल्ली में बिल गेट्स के द्वारा दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तकनीकी ने भारत में स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन की सुविधा के लिए K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के जो स्कूल हैं उनको डिजिटल रूपांतरण में सहायता प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए क्या है कि 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की जाएगी? और ये हाल ही में बहुत ही चर्चा का रहने वाला विषय, तो आपको याद रखेंगे फ्रेंड्स कि 2021 की जो जनगणना होने वाली है वो कितनी भाषाओं में की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16 भाषाओं में की जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको याद रहना चाहिए फ्रेंड्स कि ये जो जनगणना होगी कुल 2 चरणों में की जाएगी। सबसे पहला जो चरण होगा वो अप्रैल 2020 से लेकर के सेप्टेम्बर 2020 तक, और जो दूसरा चरण होगा वो 9 फरवरी से 2021 से लेकर के 28 फरवरी 2021 तक। तो इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, कुल 2 चरणों में होगी, 16 भाषाओं में की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न ये है कि आधुनिक रेलवे कोच फैक्ट्री किस ह्यूमैनॉइड रोबोट का उपयोग दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में करेगी? और ये हाल ही में स्वदेश निर्मित ह्यूमैनॉइड रोबोट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सोना 1.5। ठीक है फ्रेंड्स, सोना 1.5। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बनी रेल कोच फैक्ट्री में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस स्वदेशी जो रोबोट है सोना 1.5 और ये कार्यरत करेगी। और इसमें क्या होगा कि दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और विजिटर्स का स्वागत करने और साथ ही साथ टेक्निकल डिस्कशन और ट्रेनिंग के लिए भी ये मदद करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2019 से किसे नवाजा गया है?
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डेविड एंटन परो। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा कि 2018 का, ये 2019 है तो 2018 का जो पुरस्कार दिया गया था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, किसे मिला है? तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है और सभी लोगों को बताना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, पढ़ने हैं तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अरुण भूमि किस राज्य का प्रथम हिंदी अखबार है? तो ये तो नाम से ही आपने क्लियर कर लिया होगा, अरुण यानी कि अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू ने ये घोषणा करते हुए पहला हिंदी समाचार अखबार को लॉन्च किया कि जो अरुणाचल प्रदेश के युवा हैं वो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी पढ़ने के बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था। तो याद रखेंगे अरुण भूमि अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2019 के लिए अकीनेगी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रेखा को। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा जो है उनको 2019 के लिए अकीनेगी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर क्वेश्चंस यही 2018 के बारे में पूछ लेता तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2018 का पुरस्कार जो दिया गया था ये पुरस्कार श्रीदेवी को मिला था। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि 2020 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और वो भाषा कौन कौन सी है? तो तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, कुल 6 भाषाओं को। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को अब तक लाइक कर चुका होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और हमें आप मोटिवेट करें। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपके साथ इस प्रकार के किसी नए वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ, और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।